अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान फैमिली क्विज 2020 अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। 26 डे आज हो चुके हैं और कल आखिरी दिन है 27। उसके बाद इंशाल्लाह सेमीफाइनल जो है राउंड रहेगा। सेमीफाइनल जब भी रहेगा तब इंशाल्लाह हम आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे, आपको बता देंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये है कि रमज़ान फैमिली क्विज़ में आपने देखा है कि नबियों का अंबिया का जो है तस्किरा हुआ, उसके बाद में अशरा मुबशरा सहाबा का तस्किरा हुआ, और उसके बाद में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है पार्ट वन और पार्ट टू जो है डिस्प्ले हो चुका है। बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम जितना भी लिखेंगे, जितना भी पढ़ेंगे और जितना भी सुनेंगे, यकीनन वो बहुत कम है। तो इसलिए हमने जो है पार्ट वन और पार्ट टू डिस्प्ले हुआ है और कल जो है वो पार्ट थ्री डिस्प्ले होगा। बट फिर भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, हमने फिर ये सोचे कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूरी कंप्लीट सीरत को डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो फिर कई पेरेंट्स के फिर सवालात भी आए थे कि सर रमज़ान फैमिली को इसको कंटिन्यू जो है आगे बढ़ाते रहिए, इसे 2 महीने 3 महीने जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक जो है आप ये क्विज़ को लीजिए। और बहुत सारे पेरेंट्स से कंटिन्यू मैसेजेस भी आए कि सर इसको रुकाइए मत, इसको जो है आप फीस लीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, हमारी टीम ने बैठकर ये फैसला किया है, बहुत सोचे हैं, गौर किए हैं और इस बात पर और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान फैमिली क्विज 2020 तो 27 को एंड हो जाएगा, 27 रोजे को एंड हो जाएगा। बट हमने ये फाइनल फैसला किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसे हम कंटिन्यू सैयद स्टूडियो चैनल पर डिस्प्ले करते रहेंगे। मींस इसी चैनल के ऊपर जो आप सुन रहे हैं, इसी चैनल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पार्ट वन से लेकर पार्ट थ्री तक तो आपने सुन लिए है। अब उसके आगे जितने भी पार्ट आएंगे, हो सकता है कि 50 तक पार्ट, 50 पार्ट्स हो सकते हैं। तो 50 पार्ट हम जो है कंटिन्यू जो है इसी चैनल पर ठीक 2:30 बजे जो है हम डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो आप उसे कंटिन्यू देखते रहे, ये क्विज़ का पार्ट नहीं रहेगा, बस आपके इंफॉर्मेशन बढ़ने, बस आपकी नॉलेज बढ़ने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने के लिए हम जो है आपके लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग करेंगे और उस पर डालेंगे। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ठीक 2:30 बजे जो है अपनी जिस तरह से आप डेली बैठ रहे थे सारी फैमिली के साथ, उसी तरह से बैठे और उस वीडियो से फ़ायदा उठाए। इस वीडियो की ये खास बात रहेगी कि ये अब कॉम्पिटिशन नहीं है, बस आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, तो बस आपने सुनना है, क्योंकि एक माहौल अच्छे से बन गया है आपके घर में। तो बेहतर बहरहाल ये रहेगा कि कंटिन्यू जो है आप जुड़े रहे इस चैनल से और नॉलेज में आपके इजाफा करते रहे, बढ़ाते रहे आपके नॉलेज को। अब इस वीडियो में ये खास बात रहेगी कि अब ये वीडियो 30 और 40 मिनट का नहीं रहेगा, बल्कि ये वीडियो ओनली 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए हर दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे। हम हमारा टाइम निकालकर उसे रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों के लिए सैयद स्टूडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि जब हम, हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है आपको नॉलेज देने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबाओं की सीरत, अंबिया की सीरत आपके सामने लाने के लिए, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ दिन में से 10 से 15 मिनट निकालिए और वो वीडियो सुनिए, वो ऑडियो सुनिए, ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि एक माहौल आपका बन चुका है घर में और आप इस माहौल को ना तोड़ें, इस चैनल पर जुड़े रहें। सिर्फ हम इस पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एंड होने के बाद, अगर हमें लगता है कि आप लोग जो है डेली इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अगर हम, हमारी टीम फिर आगे भी फैसला कर सकती है, हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि इसके अलावा जो हमारे लेक्चर्स, जो आपके इससे पहले भी जो क्वेश्चन सवालात आए थे कि सर पेरेंटिंग लेक्चर लीजिए, किसी ने कहा कि सर पढ़ाई से रिलेटेड बताइए, तो अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ अगर सक्सेस होती है, कामयाब होती है, आप डेली इसे देखते हैं, तो इंशाअल्लाह इसी चैनल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ होने के बाद इंशाअल्लाह हम पेरेंटिंग लेक्चर भी इसके ऊपर अपलोड करेंगे। हम बताएंगे पेरेंट्स को कि बच्चों की तरबियत आज टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से की जाती है, बच्चे के मोबाइल को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है पेरेंटिंग लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। बच्चों की तरबियत कैसे करना है, बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे समझना है और बच्चे चाहते क्या है,
आज के ज़माने के बच्चे, ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम जो है हमें उसे ख़त्म करना है और न्यू जो है न्यू कंसेप्ट लेकर आना है, नए नए ट्रिक्स लेकर आना है। तो वो इंशाल्लाह हम इसी चैनल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ एंड होने के बाद बताएंगे। बट शर्त ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ को आपने जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं रमज़ान फैमिली क्विज़ में जैसा पार्टिसिपेट किया है, उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीट सीरीज़ आपको सुनना पड़ेगा और आपको जो है शेयर भी करना पड़ेगा और आपको वीडियो में कमेंट भी करना पड़ेगा कि आपको कैसा लग रहा है। फिर इंशाल्लाह हम पेरेंटिंग लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, बच्चों की तरबियत कैसी करना है आज के ज़माने में, और उसके साथ स्टूडेंट के लिए भी हम लेकर आएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से एनर्जी को लेकर आना है, किस तरह से जो है स्मार्ट ट्रिक्स जो है पढ़ाई में इस्तेमाल करना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा भी कोई आपके जहन में सवाल है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। एक और बात वो ये ला, और आखिर में एक और बात आपसे ये करनी है वो ये कि विंटर इस्लामी कैंप जो हमारा हुआ था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे, जो परभनी की सरजमी पे हुआ था, उसमें हमने बच्चों को इस तरह से शीट दिए थे और उन्हें कहा था कि आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फजर से लेकर इशा तक के जो नमाज़ पढ़ेंगे तो उस पर टिक करना है, और टिक करने के साथ साथ जो है लास्ट का जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की खिदमत, मीन्स अगर मम्मी डैडी की आप जो भी खिदमत करते हैं उस पर टिक करना है। और अगर आप जो है 6 मंथ का जो था विंटर कैंप में हमने दिए थे और बच्चों से कहा था कि समर कैंप तक जो है आपने इसे फिल करना है, कम्प्लीट करना है, इसे भरना है और फिर फाइनली हम इंशाल्लाह प्राइजेस आपको देंगे। तो बहुत सारे इनाम हम आप बच्चों को देंगे। बट समर इस्लामिक कैंप कैंसिल होने की वजह से जो है हमने ये सोचे कि जब फिर नेक्स्ट कभी प्रोग्राम हमारा होगा तो हम उसमें बच्चों को जो है इसके प्राइजेस देंगे। तो आपको भी बता देते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो हमने ये विंटर इस्लामिक कैंप में बच्चों को शीट दिए थे और इसमें कंप्लीट जितने भी बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज़ पढ़ना है और उस पर टिक करना है, या तो मौलाना के हाथ से या फिर अपने पेरेंट्स के हाथ से। और लास्ट का जो कॉलम है उसमें लिखना था कि पेरेंट्स की खिदमत किए या ना किए, बस टिक करना है और पेरेंट्स की साइन लेना है। तो इसी तरह से हमने बच्चों को दिए हैं। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो इंशाल्लाह हम आपको व्हाट्सएप पर ये शीट भेज देंगे। तो बराए मेहरबानी आप इसे प्रिंट निकालिए, इसकी प्रिंट निकालिए और अपने बच्चों को दीजिए और जितना हो सके बच्चों को बताइए कि किस तरह से इसे फिल करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है, आप हमारी टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो उम्मीद कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।